गाइस को बताओगे ना कल मेरा बर्थडे है? आपने गाइस को तो इनवाइट ही नहीं किया, अपने फ्रेंड्स को तो इनवाइट ही नहीं किया है। कल मेरी बर्थडे है, सबको आना ये नहीं बोलोगे? पता है कैनी फूफो को नहीं आना। ओह, अभी अभी इसकी इसके फूफो से फटा हो गया है, तो बस एक कैनी फूफो को नहीं आना, बाकी सबको आना है। मैंने प्लान दिया, मैंने सिर्फ इतना बोलता पापा को जगाओ जाके, ये मेरा प्लान होता है कोई है? चलो अब शूज पहन लो चल जल्दी से, चल लो यार नहीं तंग करो। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, हैव अ ब्लेसफुल संडे। तो संडे की शुरुआत हो चुकी है, नाश्ता कर लिया है, हम रेडी हो चुके हैं, ब्रेकिंग है, सिर्फ एक बंदा लेट है। वो कौन? वो नैना बताई। हम सब रेडी हो चुके हैं, ले लो। और एडिन जो है वो नाराज़ है क्योंकि इसको सुबह सुबह डांट पड़ गई है और ये नाराज़ ही बैठा रहेगा आप सारा दिन। अच्छा मुझे नहीं पता था। और जी फ्रेंड्स, संडे मास हो चुकी है, हाय नैनू यहाँ पे। ये दोनों अभी अभी संडे स्कूल से आए हैं और अब ये खेलेंगे कूदेंगे और यहाँ हमारी पिकनिक प्लान हो रही है। हाय आंटी, सब ठीक ठाक? सारे दोस्तों फ्रेंड्स, आप सबको मेरा सलाम, प्यार, मोहब्बत और बहुत सारी दुआएं। आपको भी हमारी बेटी को बहुत सारा प्यार दिया करो, उसको लाइक किया करो और उसको वीडियो पे क्लिक किया करो और कमेंट भी किया करो ताकि उसको और ज़्यादा। थैंक यू। तो जी फ्रेंड, यहाँ चिकन लेने खड़े हुए हैं क्योंकि घर जाके बनाना है खाना और कल है एडिन की बर्थडे, उसके लिए भी बिरयानी के लिए लेनी थी चिकन। यही वाली मुर्गी के तो अंडे खाते हो, और कौन सी मुर्गी अंडे देती है? वाइट मुर्गी वाइट अंडा देगी ना, कौन सी है? वाइट है ना, बातें सुनो इनकी। जी मैं तो चिकन की दुकान पे यूँ ही खड़ी होती हूँ क्योंकि पीछे और ही सख्त वाली स्मेल और मुझे तो यूँ ही खड़े होना पड़ता है। नैनू नाक में बदबू जान कहेंगे। सो गाइस, चर्च से आने के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉग बना सकूं क्योंकि मैं इतना बिजी थी कि मैंने वो जो कपड़ों की बास्केट आपको दिखाई थी वो सारे कपड़े धोए, फिर एडियन के बर्थडे के लिए जो चिकन लाया था वो सारी 2 किलो चिकन मैंने धोई। उसके अलावा सुबह मैं काम करके नहीं गई थी चर्च, तो मैंने आके सफाई तो बहुत बाद में की, शाम में, आज मैंने शाम में सफाई की तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। कपड़े धोने में मुझे बहुत टाइम लगा क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे। तो ऑल ओवर आज का संडे भी ऐसे ही निकल गया जैसे सारे दिन निकलते हैं, सारा दिन में काम का पता ही नहीं चलता। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन काम ख़त्म नहीं होंगे, तो ऐसे ही सारे दिन निकल जाएंगे और निकल जाता है और पता नहीं चलता, संडे का भी कुछ पता नहीं चलता। और जो है एडिन, कल एडिन का बर्थडे है तो आप सब उसको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, उसके लिए ढेर सारी प्रे करिएगा और ज़रूर प्रे करिएगा कि उसको बढ़ने के साथ साथ ना अकल भी आए क्योंकि वो अकल से अभी भी बच्चा है, बहुत बचपना है उसमें। और बस वो कुछ होते हैं ना लाडले बच्चे, उनमें से एक है, तो बस आप सब दुआ करें कि उसको अकल भी आए जल्दी बड़े होने के साथ साथ, सिर्फ वो उम्र में ना बढ़े अकल में भी बढ़े। और बचपना जो है उसका थोड़ा, मतलब बचपना तो होता है ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो है थोड़ा मैं चाहती हूँ होशियार चंद हो जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। ये देखो अभी इसके काम देखो, गाइस को बताओगे ना कल मेरा बर्थडे है? आपने गाइस को तो इन्वाइट ही नहीं किया, आपने फ्रेंड्स को तो इन्वाइट ही नहीं किया है? कल मेरी बर्थडे है, सबको आना ये नहीं बोलोगे? पता है कैनी फूफो को नहीं आना। ओह, अभी अभी इसकी इसके फूफो से फटा हो गया है, तो बस एक कैनी फूफो को नहीं आना, बाकी सबको आना है। एक्चुअली मैं मामा डैडा और जो है ना वो मेरी नन के साथ और भाई के साथ खाने पे गए हैं, उन लोगों को खानी थी सब्जी, तो काफ़ी टाइम से भाई जो है फोर्स कर रहे थे चलो डैडा को, लेकिन आज फाइनली उनका प्लान बन चुका है और वो जा चुके हैं। तो एडिन को फूफो तंग कर रही थी कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं लाऊंगी, तो एडिन ने बोला मैं कल आपको बर्थडे में नहीं बुलाऊंगा, और अब एडिन बोल रहा है बस एक फूफो को छोड़ के और बाकी सब आएंगे। तो खैर वो तो मजाक मस्ती चलता रहता है, ऐसा हो नहीं सकता कि फूफो एडिन की बर्थडे में ना आए। तो कुछ इतना ज़्यादा हमने प्लान नहीं किया, जस्ट खाना घर में बनाएंगे और बस छोटी सी सेलिब्रेशन कर लेंगे क्योंकि हालात वैसे ही बहुत ख़राब हैं। आज चर्च में भी यही अनाउंसमेंट हो रही थी, जो ब्लास्ट हुए हैं इसके बारे में बता रहे थे पास्टर और यही कह रहे थे
कि हम लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने आसपास इर्द गिर्द नवा में भी नज़र रखनी चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, कि जब बंदा घर से निकलता है जस्ट 2 या 3 सेकंड के लिए जस्ट अपने आप को खुदा के हवाले कर दे। हम जस्ट मतलब इतना जो भी है सफ़र में, यंग में हम लोग की आदत है, हम घर से निकलते हुए शुरू से हमारी आदत मम्मा ने बनाई है कि घर से निकलते हुए सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए हम अपने आप को बोल देते हैं खुदावन तेरे हवाले, तेरी हिफाजत में जाएँ और तेरी हिफाजत में घर वापस आएँ। ये जस्ट 10 सेकंड की प्रे होती है, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रे नहीं होती, सिर्फ इतनी सी हम प्रे तो एटलीस्ट कर सकते हैं। तो हम जब ये सब बोल के निकलते हैं घर से, तो खुदावन हमारी ज़रूर हिफाजत करता है, अपनी पनाहों में रखता है। और मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मौज़े हैं कि मैं अगर बताना चाहूँ तो मैं बता नहीं पा सकती कि मतलब इतने ज़्यादा मैंने मौज़े हैं मेरी ज़िंदगी के। कभी वक्त निकाल के मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे लग रहा है कि आज की वीडियो के मेरा फोन ऑफ हो गया, मुझे यूं ही एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना ख़ास कुछ आज एक्टिविटी थी नहीं, मैं बहुत बिजी थी कपड़ों की वजह से, काम की वजह से। और अब भी मैं आके फाइनली लेटी हूँ और ये दोपहर को सोए भी नहीं, तो लाजमी सुबह स्कूल है, जल्दी सोना है। तो अब नैना एंडिंग करेगी व्लॉग की। तो गाइस अब तक के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय एडिन से। बाय एडिन को तो अभी से नीनो आ गई, और अगर इसके बाद मैं कुछ बना पाई तो ज़रूर बनाऊंगी।